मेम साहब, साहब साहब जल्दी आओ ना साहब। मेम साहब क्या हो गया? साहब साहब देखो ना मेम साहब को, क्या साहब देखो ना मेम साहब को क्या हो गया। मेरे को लगता है तेरी मालकिन को हार्ट अटैक आया। तू एक काम कर रामू, तू घर का ध्यान रख, मैं इनको हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। जी साहब। हे भगवान, मेम साहब ठीक हो जाए बस। मेम साहब को न जाने क्या हो गया, बस उन्हें ठीक रखना। मेम साहब, मेम साहब यहाँ? अरे मेम साहब आप यहाँ? हाँ आप बैठ मेरे साथ। अरे तू नीचे क्यों बैठ रहा है, आज मेरे साथ ऊपर बैठ, आ जा। मालिक कहाँ है मालकिन? वो बस आते ही होंगे। अच्छा बंसी एक काम कर, सामने वाले कमरे में ब्लैक रंग की फाइल रखी है, लेकर आ तू। जी मैम साहब। लीजिए मैम साहब फाइल। बंसी आज ना मैं तुझे एक बात बोल रही हूँ, जैसे आज से पहले तूने हमारे घर का ध्यान रखा है ना, आगे भी वैसे ही रखना। अरे मालकिन आप ऐसी क्यों बातें कर रहे हो, और आप कौन सा हमें छोड़ के जा रहे हो? मैं हमेशा तुम दोनों के साथ हूँ। इस शरीर का क्या है, आज है कल नहीं है, लेकिन मैं आत्मा से हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अरे मालकिन आप ऐसी क्यों बातें कर रहे हैं, हम रो देंगे। अरे नहीं पगले, तुझे पता है मेरा कोई छोटा भाई नहीं है, जब से तू हमें मिला है ना मेरी पूरी तलाश खत्म हो गई। तूने हमारा ध्यान ऐसा रखा है जैसे कोई छोटा भाई हो। एक बात और, ये फाइल ना तू अपने मालिक को दे देना। लेकिन मालकिन आप कहीं जा रहे हो क्या, आप खुद अपने हाथों से दे देना ना उनको। नहीं ये फाइल तू देगा उन्हें, बता देगा ना? दे दूंगा मालकिन, लेकिन आप इतनी अजीब अजीब सी बातें क्यों कर रहे हो? देख ये जीवन है और इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं। तो बस तुझे समझा रही हूँ मैं, ध्यान रखना इस घर का भी और अपने मालिक का। लगता है साहब आ गए, मैं गेट खोल के आता हूँ। साहब आप बड़ी परेशान लग रही हैं। रामू डॉक्टर ने बोला है तेरी मालकिन की तबीयत ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो शायद ही बच पाएगी। रामू क्या साहब आप भी कितना अच्छा मजाक कर लेते हैं, मैम साहब अंदर ही बैठी हैं और मैंने उनसे भी बात भी करी है। रामू मैं समझ सकता हूँ तुझे एक गहरा सदमा लगा है, मैं अभी तेरी मालकिन को हॉस्पिटल छोड़कर आया हूँ। अरे साहब आप भी कैसे तरह तरह के मजाक करते हैं मुझसे, मालकिन अंदर ही बैठी हैं और उन्होंने मुझको आपको फाइल देने के लिए भी बोला है। आओ मैं आपको उनके पास लेके चलता हूँ और फाइल भी देता हूँ। आइए साहब देखो ये नहीं मालकिन। रामू मैं तेरे को कह रहा था कि देख बेटा तेरे को सदमा लगा है, नहीं है मालकिन यहाँ, तेरी मालकिन की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया है, वो चल भी नहीं सकती, वो तो यहाँ पे कैसे आएगी तू खुद ही बता। साहब मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, मैम साहब यहीं बैठी थी और मैंने उनसे बात भी करी है। हाँ आप रुको मैं फाइल लेके आता हूँ, उन्होंने मुझे फाइल देने को कहा था आपको। लीजिए साहब ये वाली फाइल देने को कहा था। इंश्योरेंस के कागज तेरे पास कहां से आए? देखा साहब मैंने आपसे कहा था ना, ये मेम साहब ने आपको देने के लिए कहा था। हॉस्पिटल से फोन। हेलो सर आपकी बेबी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए क्योंकि आपकी बेबी बस ज्यादा टाइम नहीं बचा। क्या बोल रहे हो डॉक्टर साहब आप? क्या हुआ साहब? रामू डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि अब तेरी मालकिन नहीं बच पाएगी। Da-d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 a